देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को विधायक हरविंदर कल्याण ने पंजाब सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही करार दिया है। विधायक ने कहा कि पंजाब के जिम्मेवारों के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे ना सिर्फ षड्यंत्र बल्कि घटिया राजनीति की भी बू आ रही है। पीएम की सुरक्षा में चूक एक गंभीर विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस भी राज्य में पीएम या राष्ट्रपति का दौरा होता है वहां ग्राउंड लेवल की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। बकायदा डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थाओं का जायजा लेना होता है, लेकिन ऐसे समय में सुरक्षा एजेंसियों के साथ पंजाब के आला अधिकारियों का तालमेल गलत होना और पीएम के काफिले को ग्रीन सिग्नल देना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यह एक जांच का विषय है और इसमें पूरे तरीके से जांच भी होगी। देखिए, गंभीर विषय है क्योंकि ये कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के जो हमारे हेड हैं उनकी सुरक्षा, ये एक प्रोटोकॉल की बातें हैं। और इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक होना, मैं समझता हूँ कि ये पंजाब की जो सरकार है उसकी एक बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक अलग अलग तरीके के बयान पंजाब के जिम्मेवार लोगों के आए हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र भी ऐसा लगता है जो कि एक घटिया राजनीति का एक इसमें बदबू भी आती है। और इसकी तो पूरे देश ने निंदा की है, सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से सभी एजेंसियां अपना काम करती हैं, पर जब भी इस तरह की कोई सुरक्षा की बात, चाहे राष्ट्रपति हैं चाहे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जब भी किसी राज्य में जाते हैं तो पूरे तरीके से जो ग्राउंड के ऊपर जितनी भी व्यवस्थाओं की बात आती है वो सभी राज्य सरकार की होती है। और यहाँ तक कि जब माननीय प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के जो डीजीपी पुलिस हैं, वो सभी व्यवस्थाओं का व्यक्तिगत रूप से वो सब जायज़ा लेते हैं। तो ऐसे में जो बाकी एजेंसीज के साथ उनका तालमेल गलत होना या ऐसे समय पे उन्होंने एक जो ग्रीन सिग्नल दिया वो एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और मैं समझता हूँ कि ये जाँच का विषय है और इसमें जाँच पूरे तरीके से वो होगी। विधायक हरविंदर कल्याण शनिवार को घरोंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। विधायक ने एसएमओ डॉक्टर मुनेश गोयल से कोविड संक्रमण के हालात, अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं व ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति के विषय में विस्तृत जानकारी ली। एसएमओ ने विधायक को बताया कि अभी तक घरोंडा में 18 पॉजिटिव केस मिले हैं जिनको होम आइसोलेट किया हुआ है। घरोंडा से गुरदीप रंगा। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।